इंदौर में मिलावटखोरों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। मंगलवार को खाद्य विभाग ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए दूध और दूध से बनी दूसरी खाद्य सामग्री बनाने वाली दो फैक्ट्रियों पर छापामार कार्रवाई की। अचानक हुई इस कार्रवाई के दौरान दूध फैक्ट्री में भारी मात्रा में गंदगी पाई गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के अनुसार फैक्ट्री में पनीर, मावा, क्रीम और मिठाई जैसी चीजों को बनाने के लिए एसिटिक एसिड का इस्तेमाल किया जा रहा था। अधिकारियों ने करीब 70 लीटर जो है एसिटिक एसिड जब्त किया है। लैब की रिपोर्ट में खाद्य सामग्री में मिलावट पाए जाने पर रासुका की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ सूचना मिली थी कि अमानक स्तर के दूध की पैकिंग की जा रही, उसी सिलसिले में आज यहाँ जांच के लिए उपस्थित थे। नगर में एसिटिक एसिड पाया गया और मिल्क पाउडर पाया गया, जिसको नमूना लेके उसकी भी हम जांच के लिए भेज रहे हैं, उसको अपनी जब्ती में ले रहे हैं। उसके अलावा 108 लीटर नीला केरोसिन भी पाया गया यहाँ से। कार्रवाई की जाएगी और ये अभी बंद कर दिया जाएगा, फिलहाल सील कर दिया जाएगा? नहीं, फैक्ट्री सील नहीं की जाएगी, लेकिन जो संदिग्ध आर्टिकल हैं उनको सीज किया जाएगा जिसका ये यूज़ करते पाए गए हैं, और लैब का जैसा रिपोर्ट आता है उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।